हाय गाइस, माय नेम इज साहब एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं अपना एक नया गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाला हूं। बस आप क्या बिल्ड करोगे? मैं करूंगा ना बिल्ड। यार भाई, ये बंदा मेरा सारा सामान खराब कर रहा है। चीजें गिर गई हैं, सीधी करें। ये वीडियो रोकनी नहीं चाहिए, ये वीडियो के इंट्रो में लगेगा। यस, तो आप लोग नुमान को तो जानते होंगे। नहीं, इनका एक यूट्यूब पे चैनल है डड्डू चार्जर के नाम से और बहुत ही बेकार किस्म का कॉन्टेंट बनाते हैं। Emotional, damn it! हमने डिसाइड किया है कि मेरा जो आज का पीसी बिल्ड है ये नुमान करेगा। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त हम मेरे नए स्टूडियो में मौजूद हैं। What? Seriously, dude? ये तो पहले रोना धोना लगा के मुझसे मेरे स्टूडियो में शूट करने की परमिशन मांगी और फिर यहाँ पर आके शूट भी मुझसे करवा रहे और फिर उसके ऊपर आवाम को ये भरम करा रहे कि ये तुम्हारा स्टूडियो है। लेके जाया इसको। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने राइजन क्यों चूज किया। राइजन चूज करने की मेरी मेन वजह, मुझे बोलेगा अभी राइजन क्यों चूज किया, मैं बचपन से राइजन का फैन हूँ, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का प्लेयर था, उदय भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने फिर मुझे राइजन दिया, राइजन मैंने पाला, राइजन आ गया, बड़ा हो गया, राइजन 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 भाई यही होता रहेगा भाई, कोई फायदा नहीं है। तो इस बिल्ड के अंदर जो हम प्रोसेसर यूज करने वाले हैं ये है एएमडी का राइजन 550 600G। इस प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं और उसको चूज करने की मेरी मेन रीजन ये है कि इस वक्त मैं एक जीपीयू के अंदर इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा। हाँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास जीपीयू नहीं है, मैं स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ। जी नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जीपीयू की मार्केट जो है बहुत ज्यादा अप हुई हुई है और इस टाइम जीपीयू में इन्वेस्ट करना बिल्कुल फजूल है। तो तब तक जो है वो मैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाला प्रोसेसर यूज करूंगा। जब जीपीयू की मार्केट थोड़ी सी डाउन हो जाएगी तो फिर हम एक जीपीयू में इन्वेस्ट करने का सोच। अच्छा, हमको सिखा रहा है। इस बिल्ड के अंदर जो मदरबोर्ड यूज करने वाले हैं, जल्दी बोलो ना। इस बिल्ड के अंदर जो मदरबोर्ड है वो B450 गीगाबाइट का S2H 2 RAM स्लॉट वाला है। उसके बाद जो इसके अंदर लगाने लगे हैं RAM, वो RGB बत्तियों वाली है जिसमें बत्तियां थोड़ी थोड़ी दूर बट बहुत अच्छी बत्तियां हैं। उसके बाद जो SSD है वो NVMe 256GB की है। 250GB, अच्छा 6GB ज्यादा हो गया, मेरे से ले लेना। चलो आगे। और जो इसके अंदर हम पावर सप्लाई यूज करने वाले हैं वो कूगर की XTC 550W है। और जो केसिंग यूज करने वाले हैं वो है ZigmaTech की ट्रियो। इस केसिंग के अंदर जो है वो आपको 4 RGB फैंस मिलते हैं, टेम्पर्ड ग्लास मिलता है और काफी अच्छा एयर फ्लो मिलता है। दैट्स व्हाई आई चोज दिस केसिंग। तो चलते हैं पीसी बिल्ड की तरफ। चलो मैं शुरू करो, तुमने बिल्ड करना है। चलना नहीं, इधर ही खड़े होकर तुमने बिल्ड करना है ना, मैं जा रहा हूँ, तुम बिल्ड कर लो। मेरा कंटेंट बेकार होता है तो उसकी बिल्ड देखना मैं कैसी बेकार किस्म की करूंगा। कोई बार मैंने वापस जाना है आपने रावलपिंडी, कराची में हो, सोच लो वड्डे अल्ताफ भाई। हाँ तो भाई, केस को खोलने के 101 तरीकों में से सबसे अच्छा एक तरीका। 101 तरीके कैसे? मेरा शुगर था यार, फंस गया तेरी 101 के चक्कर में। खेंचो खेंचो। ओके, हियर वी गो। देखा, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है मुझे। सर यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मुझे नहीं लगा था पिंडी वालों को आती होगी। हाँ माय एसआई ब्रो। Oh my God, उठा के तो नहीं ले जाओगे मुझे? मैं घुस रहा है यार सबसे। यार तो ये इसका टम्पूर्ड ग्लास है इसमें। वाह, टेम्पर्ड ग्लास की खास बात ये होती है कि ये टूट जाता है और दोबारा आप इसमें ऐसा ग्लास नहीं लगा सकते, लेकिन नहीं है, अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, स्पॉन्सर हो तो सब कुछ हो जाता है, कोई मसला नहीं। ओके, तो ये खुल गया, इसके बकरे को लंबा डाल। ये बंदा आज कोई ना कोई चीज जरूर तोड़े। मेरा नहीं है भाई, लेकिन चलो पैसे तुमसे ही लूंगा मैं। डड्डू चार्जर गेमिंग स्टोर, पैसा बहुत है। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है? एक्स्ट्रा सेट ऑफ केबल्स, बिकॉज़ इसके अंदर हमें 4 एक्स्ट्रा ना के बम फिट करना है, 600 केबल, 4 एक्स्ट्रा हमें इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगानी है। चलो कोई बात नहीं, मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। ये बंदा मैं बता रहा हूँ आपके साथ, ये फ्रॉड है गाइस, फ्रॉड है, द्रास फ्रॉड है गाइस। ये खुला हुआ था, ये देखें इसकी हालत, फ्रॉड है। चलो इसको बंद करते हैं। इतनी बेदर्दी से सामान रखा जा रहा, मेरा दिल बस मेरे पास अल्फाज नहीं है। इसको डब्बे के ऊपर रख लो तो शायद ये डैमेज ना हो। है फ्रॉड है गाइस, ये भी ओपन है, फ्रॉड गाइस, फ्रॉड। ये लोगों को पता है कि ये क्यों ओपन है। ये मैं पहले वीडियो बना रहा था लेकिन फिर तुम्हारी वजह से मैंने स्टॉप की थी कि तुम्हारे साथ शूट करूंगा। सब प्लान था, फ्रॉड है गाइस, फ्रॉड। तो जाहिर सी बात है प्लान ही था, वरना इसमें मेरा एड्रेस कैसे आ गई? ये आ गई चिप राइजन 5600G और अभी इसको मैं गिरा के पिन्ने टेढ़ी करने वाला हूँ और ये मुझे अभी चढ़ने कराएगा। फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो बहुत खौफनाक होगा। ठीक हो गया, इसको लगाने के लिए हम करेंगे
जैसे ओ तेरा हो गया। ओके इसके साथ हम एक स्टॉक कूलर यूज करेंगे बिकॉज हमारे पास लिक्विड कूलर लगाने के पैसे नहीं थे। ओके क्योंकि स्पॉन्सर्स हमें पैसे नहीं देते। ओके ओके बोलने से थोड़ा बंदा अंग्रेज लगता है ना। ओके 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 या माय फ्रेंड ओके ओके ओ इसके अंदर ब्रांड न्यू फेस लगी हुई है ब्रो। इस फेस के अंदर भी मैं अपनी एक उंगली मार चुका हूं और ये मेरा फिंगरप्रिंट इसके अंदर नजर आ रहा है और मेरी इंस्टा वाली ऑडियंस को ये जरूर पता होगा। ब्रो व्हाई यू अंग्री उंगली एवरीवेयर के वो कहां छोड़ा आपने बैकप्लेट 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 होगी तो ये लगेगा ना। हाँ तो गाइस आज की वीडियो का यही इख्तिताम किया जाता है क्योंकि हमारे बहुत ही होनहार कद इनका 8 फुट लेकिन चीजें भूल जाते हैं क्योंकि ये बैक प्लेट कार पुल आए हैं। अकल इनकी घुटनों में है। नहीं इतनी बेस्ती क्या बात है। मैं सोया नहीं उस बंदे के चक्कर में, कल भी नहीं सोना, इवेंट पे भी जाना और ये भी यूं कर रहा है घर रहे भी। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह हमारी पूरी वीडियो का आइडिया फ्लॉप हो गया और उसका मेन रीजन ये था कि मैं अपने मदरबोर्ड की जो बैक प्लेट होती है वो घर पर भूल गया। अब आप में से बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि बैक प्लेट क्या होती है, तो यार ये एक छोटी सी चीज़ है, आई डोंट नो आप लोगों को सही से नज़र आ रही है नहीं, बट ये मदरबोर्ड के नीचे लगती है और इसके ऊपर हमारा कूलर फिट होता है और ये मैं घर पर भूल गया था जिसकी वजह से हमारी पूरी जो वीडियो का जो शूट था वो फ्लॉप हो गया। तो अब जो ये पीसी है ये हमें खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पीसी बिल्ड करते हुए सबसे पहला कॉम्पोनेंट होता है हमारा मदरबोर्ड, विच इन दिस केस इज़ द B450M S2H x GB। अब ये मदरबोर्ड आउट ऑफ द बॉक्स राइजन की 5000 सीरीज को सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए आपको इसका बायोस अपडेट करना पड़ता है जो मैं ऑलरेडी ऑफ कैमरा कर चुका हूँ। अब आई नो दिस इजेंट द बेस्ट मदरबोर्ड फॉर दिस प्रोसेसर, बट अभी के लिए हमारा बजट बहुत कम था, वरना यू गैज नो कि मैं शुरू से ही X570 का फैन हूँ, हमेशा से वो यूज़ करता आया हूँ और आगे भी वही यूज़ करने का प्लान है। इसके बाद हमारे पास हमारा सेकंड कंपोनेंट आता है विच इज़ द प्रोसेसर। अब इस बिल्ड के अंदर हमने GPU नहीं यूज़ करना, तो इसीलिए हमें इस तरह का प्रोसेसर चाहिए था जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हो। सो आई वेंट विद द राइजन 5 5600G। दिस इज़ अ 6-core 12-thread प्रोसेसर विद अ बेस फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.9 GHz। इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस के ऊपर मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इस प्रोसेसर के साथ हम स्टॉक कूलर यूज़ करेंगे बिकॉज फॉर नाउ स्टॉक कूलर विल वर्क जस्ट फाइन। इसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट आता है विच इज़ रैम। रैम के लिए आई वेंट विद PNY's XLR8 गेमिंग 16GB DDR4 3200 MHz CL16 रेटेड RGB रैम। अब 3200 MHz DDR4 CL16 इस सब का क्या मतलब है ये सब कुछ मैं अपनी आने वाली एक रैम वाली वीडियो के अंदर कवर करूंगा, सो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट आउट। इसके बाद हमारा मदरबोर्ड पे लगने वाला लास्ट कंपोनेंट आता है विच इज़ द NVMe। NVMe इज़ द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरेज डिवाइस। इस बिल्ड के अंदर आई वेंट विद PNY's XLR8 गेमिंग 250GB NVMe। 250GB इसलिए बिकॉज इसके अंदर मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, यानी कि विंडोज़, और उसके साथ साथ जो भी मेरे एक दो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं लाइक Adobe Premiere Pro वो इंस्टॉल करूंगा, और उसके अलावा मेरा जितना भी डाटा है वो सारा मैं अपनी हार्ड ड्राइव्स के अंदर स्टोर करूंगा। हार्ड ड्राइव और NVMe के अंदर बहुत डिफरेंस होता है, इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट पे लिंक आ रहा होगा, आप वहां पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है हमारी केसिंग जो मैंने यूज़ की है Zigmatek Trio। इस केसिंग को यूज़ करने का मेरा मेन रीज़न ये है कि इसके अंदर एक तो टेम्पर्ड ग्लास है, PSU श्राउड है, 4 प्री इंस्टॉल्ड RGB फैंस हैं, मेश फ्रंट पैनल है और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद हमारा लास्ट कंपोनेंट आता है विच इज़ द पावर सप्लाई। लोग हमेशा पावर सप्लाई पे कम तवज्जो देते हैं जिसकी वजह से उनके कंपोनेंट्स ख़राब होने का रिस्क ज़्यादा होता है। फॉर दिस बिल्ड आई वेंट विद द कूगर XTC 550W 80+ वाइट। इस पावर सप्लाई को चूज़ करने का मेन रीज़न ये था कि एक तो कूगर की क्वालिटी अच्छी होती है और दूसरा ये कि ये 3 ईयर्स इंस्टेंट रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आती है, विच सेव्स अ लॉट ऑफ हेडेक।
सो या गाइस, ये है मेरा नया टेम्पररी पीसी बिल्ड। टेम्पररी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि एक पीसी बिल्ड मैं और करने वाला हूँ जिसकी केसिंग में शायद आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक हम इस पीसी को यूज़ करेंगे। इस वीडियो का पार्ट टू आएगा जिसके अंदर इसका जो सीपीयू है हम उसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इज इट एक्चुअली वर्थ बाइंग अ सीपीयू विद इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इन 2022। सो या विद दैट बीइंग सेड, मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारी वीडियोस प्लान की हुई हैं, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन पोस्ट नोटिफिकेशंस। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो @thehashrafofficial। एंड आई सी यू गाइस विद अ ब्रांड न्यू वीडियो इन जस्ट अ फ्यू डेज। टिल देन टेक केयर, हैव फन, स्टे सेफ, पीस आउट। ये केस खुला हुआ है, मुझे पहले कह रहा था टेप शिप लगा देती है, पिन पैक ले, टू वर्ड नहीं यूज, बीप कर देना यार। तो यार ये देखो, ये केस बस खुला हुआ है, ये कह रहा था कि अवाम को ये सब धोखा करते हैं, टेप शिप लगा देते हैं और इसको पैक करेंगे। मैंने कहा नहीं, अवाम के साथ दो नंबरी सिर्फ कुछ लोग कर सकते हैं।